करनाल के इंद्री के गांव भादसो में ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने करीब 58 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि चोर सोना चांदी के जेवरों से भरी तिजोरी को गांव डूडी जिला कुरुक्षेत्र ले गए। वहां पर उन्होंने तिजोरी को काटा, चोर सोने चांदी के जेवर को लेकर फरार हो गए और उसमें रखे कागज वहीं पर बिखेर गए। बता दें कि भादसो बस अड्डे पर वैभव ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। सुबह दुकान के मालिक को पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी दुकान में रखे कांटे बाहर पड़े हैं और दुकान के ताले टूटे हुए हैं। इस पर दुकान मालिक ने आकर देखा तो वह एकदम से दंग रह गए, क्योंकि दुकान में रखा गया सारा सामान गायब था। दुकान मालिक प्रवीण का कहना है कि उसकी दुकान में करीब 800 ग्राम सोना, 25 किलोग्राम चांदी व 1.5 लाख रुपए नकदी था, जिन्हें चोर ले गए हैं। दुकान मालिक प्रवीण ने बताया कि उसकी करीब 20 साल से गांव के अड्डे पर दुकान है। वहीं इस मामले में इंद्री थाना प्रभारी ने बाइट देने से इनकार कर दिया है। फोन पर कहा कि एसपी के आदेश हैं कि किसी भी मामले में बाइट नहीं देनी है। शॉप है, सरिया सीमेंट का काम करते हैं, तो इनकी शॉप सुबह जब इन 6 बजे उठे हैं ना, देखा तो इनकी शॉप पर अलमारी इनकी साफ थी, जो जिसमें इनका सोना चांदी जेवरात और इनके चेकबुक खाते सब रखे थे। तो वहाँ से चोर थे जो मैं उठा कर लिया है, तो उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन करी। पुलिस वहाँ आई, मौके पर मौका करा, पुलिस ने फिंगरप्रिंट टीम आई, फिंगरप्रिंट लेगी। तो कुछ देर बाद हम ना यहाँ थे गांव डुड्डी से, परवीन नाम के लड़के ना यहाँ अपने खेतों में आया, तो उसने यहाँ देखा भी यहाँ सामान की नहीं पड़े, उसने ये सूचना अपने गांव के सरपंच को दी। तो सरपंच के पास हमारे चाचा जी हैं सुरेश कुमार जी, उनके नंबर था, मेरा भी नंबर था उनके पास, तो उन्होंने उन पर फ़ोन किया भी आपके गांव में कोई चोरी हुई हो, तो कागजात तो ना पता लगे भी गाँव बादशो में चोरी हुई, तो देखते हैं उनका फ़ोन करें। तो हम मौके पर यहाँ आए, तो मौके पर हमने लंबारी में देखा कि लंबारी पड़ी पड़ी, सामान सारा गायब, कागज पत्र यहाँ खींचे पड़े। तो अब हम यहाँ मौके पर यहाँ देख रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है भाई यहाँ का देखो यहाँ लंबारी पाई गई है, तो पुलिस मौके पर देखो बाकी कार्रवाई क्या होती है। तो क्या लग रहा है आपको ये जैसे मतलब ये जैसे हमको ये लगे जो ये चोरी करी किसी नज़दीकी आदमी का काम है, इसमें बीच में इन्वॉल्व, जिस आदमी ने ये पता था भाई यहाँ का रास्ता ख़त्म हो रहा, और जिस आदमी ने यो पता था भाई लंबारी ठाणी है तो लंबारी तोड़ी नहीं जानी, तो यहाँ तोड़नी है सुनसान जाऊँगा बल जाएगा, तो इसमें बीच में कोई ना कोई नज़दीकी आदमी इन्वॉल्व है, लोकल आदमी के बीच में काम है, वो तो यहाँ यो जानबूझ का करवाया गया किसी। तो कौन सा गांव है ये? ये गांव डुड्डी है, डुड्डी के ही डुड्डी के जंगल है, साथ में ही गांव सोनती के बैक साइड में जंगल है, डुड्डी के मौके के जहां हम खड़े हैं इस टाइम ये लंबारी पड़ी है, गांव डुड्डी है, खेतों में मिला है मतलब कि ये सर। तो चोरों ने यहाँ पर सामान को अंजाम दिया है, उसके बाद यहाँ से देखो आपके सामने पड़े सारा सारे जेवरात के जो डब्बे सब कुछ खाली आपके सामने, चोरों ने यहाँ बैठ कर फुर्सत से यहाँ अंजाम दिया गया चोरी का, सारा ये साफ कर दिया गया। तो आप लोगों का सारा सामान शनाख्त हुआ है यहाँ से, मतलब कि जो ये यहाँ पर चोरी हुई? हमने यहाँ का देखा, हमारे यहाँ कागज पत्तर सब यहाँ पड़े हैं, जो हमारे जेवरात के डब्बे थे, जो हमारा वो सामान था वो सारा डब्बे खाली है, सामान यहाँ से गायब है, कैश हमारा गायब है और हमारे जेवरात सारे गायब है यहाँ से। अच्छा, तो क्या क्या था यहाँ पर जो आपने देखा यहाँ पर? बसी पड़ी है लंबारी लंबोरिया कागज खींडे देखे मैंने तो। अच्छा, तो फिर आपने जैसे वहाँ पर देखा तो आपने सरपंच को बताया? सरपंच को बताया। अच्छा, तो फिर सरपंच ने सूचना की भाई? सरपंच ने करी। अच्छा, तो आपने कोई सुबह 6 बजे बस आए थे, पानी पहुँचना था, तो बोले सारा सामान निकला, काउंटर वगैरह बाहर पड़े थे, अलमारी लेके सारा सामान सोने का चांदी का सब लेके, पड़ोसी ने फोन करा मेरे को। तो कैमरे लगे हुए हैं? कैमरे लगे। अच्छा, तो फोन करा भी आपकी दुकान सामान भर पड़े सारे कर। तो आप लोगों को तो सुबह ही पता लग पाया? सुबह ही पता लगा। अच्छा, ये काउंटर वगैरह सारे बाहर थे? काउंटर बाहर थे, अभी कर तो कितना करीब कितना सोना था, कितना कैश था वो बताना? नहीं, कोई मान लो 25 किलो के आसपास चांदी थी, 800-700 ग्राम सोना था, 800 ग्राम और 800 ग्राम उसके बाद 1.5 लाख के आसपास। तो पुलिस को सूचना की? पुलिस आई, एफएसएल की टीम अभी भी गई, बस जस्ट थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले। करीब करीब कितने का लॉस हुआ है आपका?
अमाउंट में? अमाउंट 1.5 लाख तक कैश? नहीं नहीं, ये जैसे टोटल किलो चांदी की होगी आइडिया, एक लमसम कैलकुलेशन करना है, 17-18 लाख की चांदी होगी। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।